हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की जो रेसिपी है एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, तो चलिए हम लोग इस रेसिपी को बनाएंगे। तो ये ना हमारे तरबूज के छिलकों की रेसिपी है, तो ये हमने इसके छिलकों से ये वाली रेसिपी बनाई है, जो कि ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और एकदम ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर अपने घर में आप लोग बना के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये तरबूज लिया है, तो तरबूज का जो हम इसको ना कट कर लेंगे, तो लंबे लंबे पीस में आप तरबूज को ना कट कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो इसका जो गूदा है, इस गूदे को हमें निकाल लेना है। तो इसके जितना भी गूदा है ना, उन सबको हमें निकालना है और छिलके का ही हमें इसमें यूज़ करना है इस रेसिपी में। तो सारे गूदों को मैंने ऐसे निकाल लिया है और बस अब हमें इस छिलके के स्क्वायर पीस में कट किया है। तो आप चाहें तो कोई भी शेप में आप कर सकती हैं। तो मैंने ना इसको स्क्वायर में ही इसको कट किया हुआ है। तो ऐसे ना छिलकों को आप ना किसी भी शेप में आप कट कर लीजिएगा। तो ऐसे जब सारे जब हमारे कट हो जाएंगे ना, तो इसको मैंने स्क्वायर में कट किया है। अब इनको अच्छी तरीके से आपको पानी में ना वॉश कर लेना है। तो सारे छिलकों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है पानी में। अब इसके बाद में एक बाउल में मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए। तो जब ये पानी हमारा अच्छे से बॉयल होने लगे, तो ये सारे जितने भी कद्दू के हमारे छिलके हैं ना, इन सबको इसी में हमें ऐड कर देना है गरम पानी में। और ऐड करने के बाद में फिर हमें इसे कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए। और इतना कुक करना है जितना, मतलब 50% हमें इसे कुक करना है, अभी पूरा कुक नहीं करना है। तो ये भी देखिए, अभी हमारा ये तरबूज के छिलका ना, ये हमारा 50% कुक हुआ है। तो अब जब 50% कुक हो जाए, तो इन सारे पीसों को आपको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो मैंने बारी बारी करके ये सारे ना तरबूज के जितने भी ये पीस हैं, इन सबको मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। तो प्लेट में सारे तरबूज के पीसों को निकालने के बाद में ना, हमें इनको ठंडा भी करना है। इधर फिर से मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें चीनी ऐड कर दी है चाशनी बनाने के लिए। और इसमें फिर थोड़ा सा हमने ये 2 से 3 ना छोटी इलायची भी ऐड कर दी है, जिससे इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी। और फिर इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज वाला मिला देना है, तो इससे ना हमारे ये जो तरबूज के जो पीसों की रेसिपी है और अच्छी लगेगी देखने में। और इधर ये पीसों को फिर हमें अच्छे से इनको ना किसी भी चीज़ से आपको ना चुभो देना है, ताकि इसमें अंदर तक जो चाशनी है वो पहुँच जाए और हमारे ये जो तरबूज के छिलके हैं ये अंदर तक ये जूसी बनेंगे। तो इसको ना मैंने एक लकड़ी की उससे हेल्प से मैंने इसको इसे चुभो दिया था। अब इसके बाद में फिर ये सारे पीसों को मैंने ये चाशनी में ये ऐड करके अब इसे हमें ना फिर से कुक करना है। तो 50% हमने पानी में कुक किया था और अब ये 50% हमें इस चाशनी में कुक करना है। तो इनको अच्छे से हमें कुक करना है। तो इसको फिर से मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारे छिलके अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो खूब जब अच्छे से ये ना गल जाए, तब इसको हमें निकालना है, क्योंकि जब ये अच्छे से गल जाएंगे ना, तभी हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी। तो अब ये हमारे सारे पीस खूब अच्छी तरीके से गल चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से किसी छन्नी की हेल्प से आप ये सारे पीस को निकाल दीजिएगा। बस चाशनी ना आने पाए, बस खाली पीस पीस आपको निकालना है, चाशनी को नहीं इसके साथ निकालना है, खाली आपको ना पीस निकालने हैं। तो ये सारे तरबूज के ये छिलकों के पीस को हम लोग अच्छी तरीके से चाशनी से फिर बाहर निकाल देंगे। अब फिर इन पीसों को भी हमें ठंडा करना है। अब उसके बाद में हमें लास्ट पॉइंट में ये नारियल का बुरादा इसमें अच्छी तरीके से लपेटना है। तो थोड़ा जैसे हम नारियल का बुरादा लपेटेंगे ना, तो ये रेसिपी और भी अच्छी लगेगी खाने में और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इसलिए आप ना इसको अच्छी तरीके से सारे पीसों को नारियल के बुरादे में लपेट लपेट कर इनको प्लेट में रखते जाइएगा। और अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो स्किप भी कर सकती हैं, ऐसे भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो ये अब देखिए, हमारे तरबूज के छिलकों से ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।